नमस्कार एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो लेसन है वो लेंथी था, इट वाज सो लेंथी लेसन व्हिच इज द लेसन ऑफ प्लस वन स्टैंडर्ड लेसन 5 मदर्स डे बाय जेबी प्रिस्टले। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ पार्ट ऑफ मदर्स डे लेसन। सो आई हैव रिटन सम मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू द लास्ट एंडिंग लेवल ऑफ द स्टोरी। Main points: Doris and Cyril were further shown to see their mother smoking and drinking. Then came George, and George spent most of his time at the club. The real Mrs. Pearson couldn't bear the drama anymore. Mrs. Pearson pressed Mrs. Fitzgerald to change back personalities as they were before change. It was done. Everyone spotted Mrs. Pearson. She became the real mistress and boss of her family. तो बच्चे अक्सर कहा जाता है कि जब घी जो है सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर मिसेस फिट्ज़रॉय उसके परिवार को सुधारने के लिए वो सब ड्रामा नहीं करती तो मिसेस पियर्सन हमेशा अपने परिवार के उस निरादर का, उस अपमान का शिकार होती रहती। तो आपने अपनी निजी जिंदगी में भी बच्चे देखा है, फिल्म देखी होगी आपने बागवान अमिताभ बच्चन साहब की, उस फिल्म के अंदर भी यही दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपने पेरेंट्स को प्रेस करते हैं, फोर्स करते हैं अलग रहने के लिए, कि जो फादर है वो इस भाई के पास रहेंगे इतने इतने दिन और मदर है इतने इतने दिन इनके पास रहेंगे। बट फादर ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने एक लेख लिखा और उसके दम पर अपने आप को फिर से उठाया। तो देखिए, माँ बाप जो घर में है वो रिस्पेक्ट के लिए हैं। वो कहते हैं ना कि अगर बड़े बुजुर्ग घर का काम नहीं करेंगे तो कम से कम अपने बच्चों को संस्कार तो देंगे, एक अच्छी सोच तो उनमें समय समय पर मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो बागवा फिल्म से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पेरेंट्स के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो वो प्रेस करते हैं और उसी तरह से हमारी वास्तविक जिंदगी के अंदर भी कुछ एक ऐसा होता है, हमारी सोच इतनी बदल जाती है कि कल को अगर हम शादीशुदा हो जाते हैं तो हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं एक उस थर्ड पर्सन की वजह से। कभी ऐसा वक्त भी होता है जब हम छोटे होते हैं तो लड़ते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है तो फिर दोबारा से लड़ते हैं और कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। तो माँ सबकी होती है, सांझी होती है, इज्जत कीजिए अपने पेरेंट्स की। तो चलिए आज इस स्टोरी को कोशिश करते हैं पूरा करने की। ये आपका जो लेसन था हमने रीड आउट कर दिया था। साइरिल ग्लूमली आई डाउटेड चलिए मिसेस पियर्सन सैमली गंभीरता से पॉसिबिलिटी यू डू संभवत आप करते हैं, बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग, परंतु जो मुझे शक है कि कहीं तुम्हारा जो विचार है वो बहुत मूल्यवान है। व्हाट यू नाउ अब क्या जानते हो, नथिंग कुछ नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम आप ज्यादा समय बिताया है, एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस आपने शिकारी कुत्तों की दौड़ पर बहुत सारा पैसा लुटाया है, एंड डर्ट क्रैक्स एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज और बहुत से बर्फीले जो शोज होते थे या एक गंदे ट्रैक्स जिंदगी की जो गलत पटरियां थी उस पर साइलेंट सर के लिए खींच कर वैल ठीक है व्हाट इफ आई डू तो मैं क्या करूं, आई हैव गोट टू एंजॉय माई सेल्फ समाउ जैसे कैसे मुझे अपनी जिंदगी का आनंद लेना है, हैवंट आई, क्या मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ पैसा आई वुडंट माइंड सो मच मुझे ज्यादा महसूस नहीं होता इफ यू आर रियली एंजॉइंग योर सेल्फ अगर आप खुद अपने लिए आनंद ले रहे थे, बट आर यू क्या तुमने ऐसा किया, एंड वेयर इज इट गेटिंग यू और आप ये सब कहां से ले रही हो। देर इज अ शार्प हाइड नॉकिंग हियर ऑफ लैब लैब से बहुत तेज दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनी गई। साइलेंट माइट बी फॉर मी शायद मेरे लिए हो सकता है, सी मैं देखूंगा। साइलेंट हरीज आउट लेफ्ट और बाहर की तरफ लेफ्ट की तरफ दौड़ता है इन ए मोमेंट एक क्षण में ही री एंटर्स वो दोबारा प्रवेश करता है क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम अपने पीछे से दरवाजे को बंद करके। मिसेस पियर्सन यस दैट सिरी ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर और ये अगले ही दरवाजे से पड़ोस से ही एक बूढ़ी मूर्ख औरत है। मिसेस पियर्सन यू डोंट वांट हर हियर तुम नहीं यहां उन्हें नहीं बुलाना चाहिए, डू यू क्या तुम चाहती हो। मिसेस पियर्सन शार्पली तेज एकदम से आक्रामक सर्टेनली आई डू निश्चित मैं ऐसा करती हूँ आज खरीद उसे अंदर आने के लिए कहो एंड डोंट कॉल हर सिरी ओल्ड बैग आइदर और उसे बूढ़ी औरत बूढ़ा थैला खेलने की जरूरत नहीं है। शी इज अ वेरी नाइस वूमन बहुत अच्छी औरत है विद अ लोट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव तुम्हारे से ज्यादा तमीज है जितनी तुम्हारे कभी तुम्हारे में होगी। साइरिल एग्जिट स्लैब लैब से चला जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टार्ट आउट
मिसेज पियर्सन अपनी स्टॉप खत्म करती है स्मैकिंग हर लिप्स, और अपने लिप्स को जो है अपने लिप्स पर जो है जीप को फेरती है। साइरन री एंटर्स लेफ्ट लेफ्ट से दोबारा प्रवेश करता है। अश्विन मिसेज पियर्सन लेफ्ट, मिसेज पियर्सन की तरफ देखती हुए हेजिटेट्स इन द डोर वे, जो दरवाजे में ही जो है हिचकिचाती है, एकदम से संकुचाती है। कमिंग मिसेस पर्जल है, अंदर आइए अंदर आइए। मिसेस पर्जल है मूविंग टू लेफ्ट सेंटर, और लेफ्ट सेंटर से वो चलती है एंजेसली आतुरता से। आई जस्ट वंडर, मैं अभी भी बहुत हैरान हूं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, हर एक चीज सब ठीक है, साइलेंस के लिए खींच कर, नो इट इजंट, ऐसा नहीं है। मिसेस पर्जल शार्पली एकदम तेजी से, ऑफ कोर्स इट इज, अरे वास्तव में ठीक है, यू बी क्वाइट, चुप हो जाओ साइलेंट, इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, बड़े गुस्से से ऊंचे पन से, व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों हो जाऊं। मिसेस पर्जल शाउटिंग चिल्लाते, बिकॉज़ आई टेल यू टू, मैं तुम्हें बता, मैं तुम्हें जो है बता रही हूँ, चुप हो जाओ यू सिली स्पॉइल्ड यंग क्वीन पाइकन, एक युवा बिगड़े हुए मूर्ख बच्चे। मिसेस पर्जल एट प्रोटेस्टिंग नर्सरी, बड़ी घबरा करके विरोध करते हो, नो श्योरली, अरे नहीं पक्का। मिसेस पियर्सन श्योर सैलरी, गंभीरता से, नो मिसेस पर्जल एट, मिसेस पर्जल एट, जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे, मेरे परिवार को मेरे ढंग से ही मैनेज करने दीजिए प्लीज, कृपया। मिसेस पर्जल एट, यस हाँ, बट सरेन, बट साइलेंट, साइलेंट सकीरी एंड ग्लोरी, एकदम से बड़ी चिढ़ के साथ, मिस्टर साइरन पियर्सन टू यू, मिसेस साइरन पियर्सन आपसे, प्लीज मिसेस पर्जल, मिसेस पर्जल कृपया। साइरन स्टॉप्स ऑफ इन टू द किचन, और वो एकदम से किचन की तरफ चला जाता है। मिसेस पर्जल मूविंग टू द सेट की तरफ चलते हुए स्पिंग बुलाते हुए, ओ डियर, अरे डियर, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन काल निशांत भाव से, नथिंग मच, कुछ ज्यादा नहीं, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, मैं उन्हें उनकी जगह दिखा रही थी, दैट्स ऑल, बस इतना ही, डूइंग व्हाट यू वांट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, और वही जो तुमने काफी लंबे समय से कर रही हो। मिसेस पियर्सन लेट इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पर है, शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, सेटी पर, सेटी पर वो मिसेस पियर्सन के एक तरफ बैठती है। मिसेस पियर्सन, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, मैंने उन्हें बता दिया है, मैं उन्हें यही बता रही हूँ कि क्लब में उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। मिसेस पियर्सन लेट वेल, ठीक है, दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम, उनके बारे में काफी सोचते हैं, डोंट दे, क्या वो नहीं सोचते। मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट, वो नहीं सोचते, एंड हाउ ही नोज, नाउ ही नोज इट, और अब वो इसे जानते हैं। मिसेस पियर्सन लेट नर्वसली, घबरा कर, ओ डियर, अरे डियर, आई विश यू हैडन मिसेस पियर्सन लेट, मैं चाहती हूँ कि तुम मिसेस पियर्सन लेट नहीं बनो। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, बदतमीज, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, और मैं उन्हें पूरे विश्व में अच्छा करने के लिए सिखा रही हूँ। दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, और जल्दी तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे वो, यू विल सी, तुम देखोगे। मिसेस पियर्सन लेट, आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड, मैं नहीं सोचती कि वो मेरे हाथों का बना हुआ खाना चाहते हैं। मिसेस पियर्सन इंपेशिएंटली, अधीरता से, वेल ठीक है, व्हाट एवर यू वांट, जो कुछ तुम चाहती हो दे विल बी डूइंग इट, वो ऐसा कर रही होंगे, ऑल थ्री ऑफ देम, वो तीनों के तीनों, मार्क माय वर्ड्स, मेरे शब्दों को मार्क कर लो। मिसेस पियर्सन, जॉर्ज एंडर्स लेफ्ट ग्लिमली, और बड़ी गंभीरता से लेफ्ट की तरफ प्रवेश करता है। ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड, वो ना खुश और हैरान था। व्हेन ही सी द विजिटर, जब उसने आगंतुक को देखा, मूव्स टू द आर्मचेयर लेफ्ट, आर्मचेयर जो लेफ्ट में उसकी तरफ चलता है, सिट डाउन हैवीली, एकदम धमाके से बैठता है, ग्लिमली लाइट्स हिज पाइप, और बड़ी गंभीरता से अपनी सिगरेट को जलाता है। देन ही लुक्स डाउन मिसेस पियर्सन टू मिसेस पियर्सन, तो वो फिर मिसेस पियर्सन से मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है, हु इज रिग्रेटिंग हिम एंग्जियसली, बड़ी आतुरता से जो उसको सम्मान दे रही है। जॉर्ज जस्ट लुक इन फॉर ए मोमेंट, आई सपोज मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन मेरा मानना है कि सिर्फ एक मिनट के लिए आप अभी देखिए। मिसेस पियर्सन हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, कोई नहीं जानता कि वो क्या कह रही है। यस सर, हाँ, आई सपोज सो, जॉर्ज मेरा ये मानना है। जॉर्ज अगस्त एकदम हैरान होकर, जॉर्ज मिसेस पियर्सन नर्सरी घबरा कर, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। मिसेस पियर्सन इंपेशिएंटली, अधीरता से, बेचैनी से, व्हाट डज इट मैटर, आखिर ये बात क्या है। योर नेम जॉर्ज, आपका नाम जॉर्ज है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, क्या तुम क्या सोचते हो कि तुम एडिनबर्ग के महाराज हो। जॉर्ज एंगरली गुस्से से, व्हाट हैज ही गॉट टू डू विद इट, और इसके साथ उसे करने के लिए क्या मिला है, जस्ट टेल मी दैट, और ऐसा करके तुम्हें क्या मिला है, जस्ट टेल मी दैट, मुझे बताओ। इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और क्या ये बुरा नहीं है विदाउट हर, उसे बिना बुलाए हुए आप जॉर्ज जो है उसे बिना बुलाए हुए, नोटी कोई चाहिए नहीं, पोम्पियो भी पियर्सन के, सिर्फ पोम्पियो भी पियर्सन है। पुअर डोरिस हैज बीन क्राइंग हर आइज आउट ऑफ स्टेयर्स, और बार सीढ़ियों पर बैठ करके उसने रोकर अपनी आंखें सुझा ली है। यस क्राइंग हर आइज आउट, चिल्लाते उसकी आंखें सूझ गई है, बाहर की तरफ आ गए। मिसेस पियर्सन है वेयरिंग, चिल्लाते ओ डियर, आई वांट टू हैव नोन, मुझे जानना चाहिए था। स्टेयरिंग एट हर अनॉयड, जॉर्ज जो है नाराजगी से उसकी तरफ देखते, यू वांट टू हैव नोन, तुम्हें जानना चाहिए था। व्हाई वांट टू यू, व्हाई वांट यू टू हैव नोन, तुम्हें क्यों जानना चाहिए था। नथिंग टू डू विद यू, और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं है करने के लिए। मिसेस पियर्सन है, लुक देखो, वी आर एट सिक्सेस एंड सेवंस हियर जस्ट नाउ, हम एक दूसरे से झगड़ रहे हैं यहां पर, सो पर्हैप्स यू विल एक्सक्यूज अस, कृपया माफ कीजिएगा। मिसेस पियर्सन बिफोर मिसेस पियर्सन कैन रिप्लाई, मिसेस पियर्सन इससे पहले उत्तर दे पाए, आई विल नॉट एक्सक्यूज, मैं तो माफ नहीं करूंगी। जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम ए फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, अगर अगली बार कोई भी मित्र या पड़ोस से मेरे मिलने आता है, जस्ट से समथिंग, कुछ उनको कहना, व्हेन यू सी हर, जब उसे मिलते हो, गुड इवनिंग, और हाउ डू यू डू, गुड इवनिंग, या
तुम कैसे हो और समथिंग एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड और बगैर शब्द सिर्फ अंदर आना और बगैर शब्द किए हुए बैठ जाने इस बैड मैनर की गलत बात है। मिसेस पियर्सन ने नर्व से लिखा डॉक्टर नो इट्स ऑल राइट अरे नहीं ठीक है मिसेस पियर्सन नो इट इज नॉट ऑल राइट ये सब ठीक नहीं है वी विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस इस घर में हमारे बहुत बढ़िया व्यवहार है और आई विल नो द रीजन व्हाई और मैं जानना चाहूंगी क्यों लेकिन यार जो जो पर देखते हो ठीक है जॉर्ज इमीडिएटली आपस में वेल अच्छा क्या मिसेस पियर्सन डोंटिंग हिम उसे जो है व्यंग करते हो व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब तुम अपनी क्लब में क्यों नहीं चले जाते स्पेशल नाइट टुनाइट आज की रात स्पेशल है किसान जी ऐसा नहीं है दे विल बी वेटिंग फॉर यू तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ और एक अच्छी हंसी लेना चाहते हो गो ऑन देन तो जाओ डोंट डिसअपॉइंट देम उन्हें निराश मत करो डिसअपॉइंट जो है निराश करना जॉर्ज बिटरली कड़वेपन से दैट्स राइट ठीक है मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ और उनके सामने तो मुझे मूर्ख बना रही गो ऑन डोंट माइंड मी और जाओ और महसूस मत करना सिक्सेस एंड सेवंस पुअर डोरिस पेन क्राइंग हर आज और पूरा बेचारी डोरिस जो है वो रो रो करके आके जो है उसने सुझा दी गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन और नेबर्स जो है ये सारा मजाक देखने के लिए आ रहे हैं सडनली डोसिंग इस टाइम पर जल्दी ही अपने स्वभाव को खो देना गुस्सा करना ग्लेरिंग एट मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हुए एंड शाउटिंग चिल्लाते हो बोला ठीक है लेट हर हियर इट उसे मुझे उसे सुनने दो व्हाट्स द मैटर विद यू तुम्हें क्या हुआ हैव यू गॉन बार्मी बार्मी मीन मैड क्या तुम पागल हो गई और व्हाट और क्या मिसेस पियर्सन जंपिंग अप उछलते हुए सैवरी जी बड़ी एकदम क्रूर ढंग से इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट इस तरह तुम मुझ पर दोबारा चिल्लाओगे जॉर्ज पियर्सन आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस मैं तुम्हारे मोटे बड़े चेहरे मूर्ख चेहरे पर थप्पड़ मारूंगी मिसेस फिट्ज़गेराल्ड मॉर्निंग कहते हो नो 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 प्लीज मिसेस फिट्ज़गेराल्ड मिसेस पियर्सन से बैठती है जॉर्ज स्टेरिंग एट हर उसकी तरफ बिल्डर हैरान होकर सरप्राइज से देखते हो आइदर आई एम ऑफ माय जंप और यू टू आर या तो मैं यहां से जो है चला जाता हूं या तुम दोनों हाउ डू यू मीन तुम्हारा क्या मतलब नो नो प्लीज मिसेस फिट्ज़गेराल्ड लुक यू आर मिसेस फिट्ज़गेराल्ड देखो तुम मिसेस फिट्ज़गेराल्ड सो व्हाई आर यू टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप तुम अपने आप को ही रुकने के लिए क्यों कह रहे हो व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग जबकि तुम कुछ कर भी नहीं रहे टेल हर टू स्टॉप और उसे रोकने के लिए बोलना देन देयर वुड बी सम सेंस इसमें कुछ ना कुछ समझ की बात होगी स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन की तरफ घूरते हुए आई थिंक यू मस्ट बी किडनी कि मेरा मानना है कि आप मजाक कर रहे होंगे मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप सेवरली बड़ी गंभीरता से बड़े खतरनाक ढंग से शुरू करते से दैट अगेन वो दोबारा कहना जॉर्ज पियर्सन जॉर्ज इमीडिएटली आपस में ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ठीक है डोरिस सेंटर्स लेफ्ट सॉरी धीरे से डोरिस लेफ्ट की तरफ प्रवेश करता है लुकिंग मिजरेबल बहुत ही दुखी दिखाई देती है शी इज स्टिल वीरिंग द रैग और वही कपड़ा अभी भी उसने लपेटा हुआ है मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी पर बैठती है मिसेस फिट्ज़गेराल्ड हेलो डोरिस डियर हेलो डोरिस डियर डोरिस मिजरेबली दुखी होकर हेलो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड मिसेस फिट्ज़गेराल्ड आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद 40 फ्रेंड्स टुनाइट मैंने सोचा कि आज की रात तुम 40 फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी डोरिस ने निराश होकर व्हाट्स दैट टू डू विद यू तुम्हें उससे क्या लेना है मिसेस पियर्सन शार्पली बड़ी तेजी से स्टॉप दैट उसे रोको मिसेस फिट्ज़गेराल्ड नर्व्स ली घबरा कर नो इट्स ऑल राइट अरे नहीं ये सब ठीक है मिसेस पियर्सन सेवरली गंभीरता पूर्वक इट इजंट ऑल राइट ये सब ठीक नहीं है आई विल नॉट हैव अ डॉटर ऑफ माइन टॉकिंग टू एनीबॉडी लाइक दैट मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी के साथ इस व्यवहार से बात करे नाउ आंसर मिसेस फिट्ज़गेराल्ड प्रॉपर्ली मिसेस फिट्ज़गेराल्ड आप सही ढंग से उत्तर दो डोरिस और गो अपस्टेयर्स अगेन या दोबारा ऊपर जाओ डोरिस लुक वंडरिंगली एट हर फादर बड़ी हैरानी से अपने पिता की तरफ देखती है जॉर्ज इन डिस्पेयर परेशानी में डोंट लुक एट मी मेरी तरफ मत देखो आई बेटा मैंने ये सब छोड़ दिया है आई जस्ट गिव इट अप मैंने अभी भी छोड़ा है मिसेस पियर्सन आई खतरनाक ढंग से मैं ठीक है आंसर है उसे उत्तर दो डैल सर्कल खींच कर आई वॉज गोइंग आउट विद 40 फ्रेंड्स टू नाइट आज की रात में 40 फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ लेकिन अब मैंने इसे जो है छोड़ दिया है कॉल ऑफ कर दिया है मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ओह व्हाट ए पिटी डियर क्या दयनीय स्थिति है व्हाई हैव यू तुमने ऐसा क्यों किया डोरिस विद ए फ्लैश ऑफ टेंपर एक गुस्से भरी चमक के साथ बिकेज इफ यू मस्ट नो क्योंकि यदि तुम्हें जानना है माय मदर्स हैज बीन गोइंग ऑल एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल क्योंकि मेरी मां जो है हमेशा मुझे ही कुछ ना कुछ पीड़ा का एहसास करवा रही है एंड सेइंग और कह रही है ही हैज गॉट बक्ड इट वो हिरन जैसे दांतों वाला इंसाफ विटेड और आधे दिमाग वाला मिसेस फिट्ज़गेराल्ड रादर बोल्डर सासी होने की बजाय टू मिसेस पियर्सन सी यू शुडंट हैव सेड दैट आपको ये नहीं कहना चाहिए था मिसेस पियर्सन शार्पली बड़ी तेजी से मिसेस फिट्ज़गेराल्ड आई विल मैनेज माय फैमिली यू मैनेज योर्स तुम अपने परिवार का ध्यान करो मैं अपने परिवार को संभाल लूंगी जॉर्ज ग्रीमली गंभीरता से टेकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी क्या अब आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रीमली बड़ी गंभीरता से दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब वे क्लब में आपके इंतजार कर रहे हैं जॉर्ज डोंट फॉरगेट भूलना मत एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन और दोबारा चिल्लाना शुरू मत कर देना डोरिस मिसेस फिट्ज़गेराल्ड गेटिंग अप टू विद सडन डिसीजन अचानक निर्णय लेकर दैट्स इनफ काफी हो गया क्वाइट इनफ बहुत हो गया जॉर्ज एंड डोरिस स्टे राइट हैप्पी बिल्डर उसकी तरफ हैरानी की तरह से देखते हुए टू जॉर्ज एंड डोरिस और जॉर्ज की तरफ नाउ लिसन अप सुनो यू टू तुम दोनों आई वांट टू हैव ए प्राइवेट लेटर टॉक विद मिसेस फिट्ज़गेराल्ड मैं मिसेस फिट्ज़गेराल्ड के साथ कोई निजी बात करना चाहती हूं शी प्रैक्टिस सेल्फ हेजिटेटली
बड़ी तेजी से वो अपने आप को सही करते हुए मिसेस पियर्सन के साथ सो आई रियलाइज मैं आपके बहुत कृतज्ञ होंगी फिर लीव अस अलोन फॉर ए फ्यू मिनट्स आप कुछ मिनटों के लिए हमें अकेला छोड़ दें आई विल लेट यू नो व्हेन वी आर फिनिश्ड मैं आपको बता दूंगी जब हम फिनिश करेंगे गो ऑन जाओ प्लीज कृपया आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट रिग्रेट इट मैं वायदा करती हूं तुम्हें इसकी दुख नहीं होगा देयर समथिंग हियर यहां पर कुछ है दैट ओनली आई कैन डील विद जो हम ही बात कर सकते हैं राइजिंग मूड टू आई एम ग्लैड समबडी कैन और मैं खुश हूं कि कोई ऐसा कर सकता है बिकॉज आई कांट मैं नहीं कर सकता कम ऑन डोरिस कॉरिस चलो जॉर्ज एंड डोरिस एक्सेल लैब की तरफ से बाहर जाते हैं एज वी गो मिसेस पर्जल एंड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल के लैब की तरफ चलते हैं सिर्फ बैठती है शी एगरली बेगन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग और बड़ी बेचैनी से वो वही चीज मिसेस पियर्सन के साथ करती है मिसेस पर्जल है वी मस्ट चेंज बैक नाउ अब हमें वापस बदलना होगा वी रियली मस्ट वास्तव में हमें करना होगा मिसेस पियर्सन चाहिए मुड़ते हुए क्यों Mrs. Pezzella, because this has gone far enough, क्योंकि काफी हो गया है I can see, we are all miserable, मैं देख सकती हूँ मेरा परिवार सारा दुखी है, I can't bear it, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता Mrs. Pezzella, a bit more of the same would do them good, और थोड़ा सा उनको और अच्छा बनाने के लिए कर दे तो making a great difference already, पहले उनमें बहुत फर्क आ चुका है She moves to right of the table and sits, वो टेबल के राइट की तरफ चलती है बैठती है Mrs. Pezzella, no, I can't stand any more of it, और मैं इस तरह से ज्यादा नहीं कर सकता I really can't नहीं कर सकती you must change back, हमें वापस बदलना होगा अब जल्दी करो प्लीज Mrs. Pezzella, Mrs. Pearson, well, if you insist, ठीक है तो आग्रह करती हूँ Mrs. Pezzella, yes, I do, please, मैं आग्रह करती हूँ प्लीज She stretches her hands across the table and बड़ी बेचैनी से वो टेबल के दूसरी तरफ हाथ को फैलाती है Mrs. Pearson takes the money लेती है Mrs. Pearson, quiet now, relax, आराम से बैठो और शांत हो जाओ Mrs. Pearson and Mrs. Pezzella stare at each other, एक दूसरे की तरफ घूरती है maternally muttering exactly as before पहले की तरफ बुड़बुड़ाती अर्षटादम 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 दम बोना दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर पहले की तरह उन्होंने एक्शन किया गोइंग नेक्स्ट फिल हो गई एंड देन कमिंग टू लाइफ फिर जीवन आ गया बट दिस टाइम इस बार ऑफकोर्स वास्तव में दे बिकेम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी वो एक दूसरे के वास्तविक रूप में आ गए मिसेस पेजेला नो वेल आई एंजॉयड दैट मैंने वाकई में आनंद लिया मिसेस पेजेला आई डिडंट मैंने नहीं लिया मिसेस पेजेला वेल ठीक है यू वांट टू हैव डन आपको ये करना चाहिए था नाउ लिसन आप सुनो मिसेस पेजेला डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन दोबारा उनके साथ विनम्र मत हो जाना एज इट विल हैव ऑल हैव बीन वेस्टेड नहीं तो ये सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा मिसेस पेजेला आई विल ट्राई नॉट टू मैं ऐसा ना करने की कोशिश करूंगी मिसेस पेजेला एंड मिसेस पेजेला दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम और वो ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे जितना मैंने उन्हें दिया है अनदर आवर दूसरा समय और टोज रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन और बुरा व्यवहार जो है निश्चित रूप से ऐसा कर देगी करना शुरू कर देंगे मिसेस पेजेला आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ मुझे पक्का विश्वास है वो पहले की बजाय अच्छा व्यवहार करेंगे तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हालांकि मैं नहीं जानती कि सब मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी उनके सामने मिसेस पेजेला सरली मिलता सी डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग तो उनके सामने कोई चीज की वृतांत देना मत शुरू कर देना माफी मांगना मत शुरू कर देना और यू आर डन फॉर और जो कुछ भी तुमने करना है मिसेस पियर्सन विद सीक्रेट पूरे उत्साह से सो राइट फॉर यू ये तुम्हारे लिए अच्छा है मिसेस पेजेला आफ्टर ऑल इन सब के बाद देयर आर योर स्पाइनल चिल्ड्रन क्योंकि तुम्हारे बच्चे और पति नहीं है मिसेस पेजेला इंप्रेस हुई एक अभिव्यक्ति प्रभावी ढंग से नाउ यू लिसन टू मी अब मुझे सुनो यू एडमिटेड योरसेल्फ यू आर स्पॉइलिंग देम तुमने स्वीकार किया ना तो तुमने खुद उसको बिगाड़ा था एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू और वो तुम्हें कभी भी प्रशंसा नहीं करते थे थैंक यू नहीं बोलते थे अपोलॉजीज कभी माफी नहीं मांगते थे एनी एक्सप्लेनेशन कोई एक्सप्लेनेशन देते थे एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू आर और तुमने अगर एक्सप्लेनेशन दी तो वहीं चली जाओगी जहां थी आई एम वार्निंग यू मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं जस्ट गिव देम अ लुक सिर्फ एक बार उन पर नजर डालना इट ऑन अ वॉइस और एक जो बहुत आवाज का सवर है नाउ एंड अगेन बार बार यू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद दैट तो मैं उनके साथ बहुत सख्त होकर रहना यू वांटेड टू रियली तुम रहना चाहती थी एंड ही टोल्ड टू वर्क और ही काम करेगा यानी चलो छोड़ो वी कैन टेस्ट इट हम इसका परीक्षण लेते हैं मिसेस पेजेला हाउ कैसे मिसेस पेजेला वेल ठीक है व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू वो जो तुम करवाना चाहते हो वो नहीं करते स्टॉप एट होम फॉर वंस एक बार उन्हें घर पर रोको मिसेस पेजेला अरे हाँ एंड गिव मी अ हैंड विद सपर और मुझे मेरे जो है रात्रि का भोजन बनाने के लिए हाथ बढ़ाए मिसेस पेजेला एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू कोई और चीज जो तुमसे करवाना चाहोगी दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट वो करते हैं नहीं करते जिस चीज पर तुम आनंद लेना चाहते हो मिसेस पेजेला हेजिटेटिंग संकुचित होते हुए थोड़ा जीत पे वेल यस अरे हाँ आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी मुझे रमी का गेम बहुत बढ़िया बट ऑफ कोर्स परंतु वास्तव में हार्डली एवर हैव वन और बड़ी मुश्किल से कभी हमने खेला एक्सेप्ट क्रिसमस के अलावा मिसेस पेजेला गेटिंग अप टू वेयर दैट विल डू देन तब वो ये करेंगे शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स लोड लेफ्ट दरवाजे की तरफ से जाती है तन मूर्ति है बट रिमेंबर याद रखना ठीक फर्म एकदम दृढ़ बने रहना और यू हैव हैड इट और जो तुम्हें बताया था शी ओपन दरवाजा खोलती है कॉलिंग बुलाती है यू कैन कम इन नाउ अब आप अंदर आ सकते हो कमिंग अवे फ्रॉम द डोर दरवाजे से अंदर आती हो मूविंग राइट स्लाइड पे धीरे राइट से चलते हो क्वाइटली शांत रहो बट रिमेंबर ए फर्म है परंतु याद रखना अपने आप को काबू में रखना जॉर्ज डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे दरवाजे से अंदर आते हैं लुकिंग एट फ्रेंड्स एंड मिसेस के पियर्सन की तरफ बड़ी सोच समझ से देखते हुए आई एम जस्ट ऑफ अभी मैं चलती हूँ टू लेट यू एंजॉय योरसेल्फ तुम अपना आनंद लो द फैमिली लुक्स एंग्जाइटी एट मिसेस पियर्सन की तरफ बड़ी अतर्कता से देखती है उस वक्त
मुस्कुराती है, मच रिलीव्ड, बहुत राहत महसूस करते हैं। दी स्माइल बैक एट हर और उस पर वापस मुस्कुराते डोरिस एंजल दी आतुरता से यस मदर हां माता जी मिसेस पियर्सन स्माइलिंग मुस्कुराते हुए सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट और ये जानते हुए कि तुम बाहर नहीं जाना चाहते आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू मैं तुम्हें बताती हूं जो मैंने सोचा था हम करेंगे मिसेस पियर्सन गिविंग ए फाइनल वार्निंग रिमेंबर आखिरी चेतावनी देते हुए याद रखना मिसेस पियर्सन नॉडिंग से हिलाते हुए देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली और परिवार की तरफ देखते हुए नो ऑब्जेक्शंस कोई इतराज नहीं हो मैं आशा करती हूँ मिस जॉर्ज हमरी मिलर मता प्रोक नो मदर नहीं माता व्हाट एवर यू से जो आप कहती हो मिसेस पियर्सन स्माइलिंग मुस्कुराते हुए तो मैंने सोचा था वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रनिंग कि हम हमारा परिवार एक रमी का बहुत अच्छा खेल खेलेंगे एंड देन यू चिल्ड्रन पुट गेट द सपर रेडी मैं और तेरे पिताजी गेम खेलेंगे और तुम जो है रात्रि का भोजन तैयार करोगे व्हाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर तुम्हारे पिता से बात करूंगी जॉर्ज फार्मली दृढ़ता से सोर्स में मुझे सही लगता है ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन बच्चों की तरफ चुनौतीपूर्ण नजर से देखता है व्हाट अबाउट यू टू अब तुम दोनों के बारे में तुम दोनों क्या सोचते हो साइरन हेट्री तेजी से हाँ दैट्स ऑल राइट सब ठीक है डॉरिस हेजिटिंग हेजिटेटिंग थोड़ा संकुचित होते वेल आई ठीक है मैं मिसेस पियर्सन शार्पली तेजी से व्हाट क्या स्पीक अप बोलो डॉरिस हेजिटेटिंग तेजी से आई थिंक इट वुड बी लवली और मैं सोचती हूं कि बहुत अच्छा रहेगा मिसेस पियर्सन स्माइलिंग मुस्कुराते हुए गुड बाय मिसेस पियर्सन अलविदा मिसेस पियर्सन कम अगेन सून दोबारा जल्दी आना मिसेस पियर्सन यस डियर हां डियर नाइट ऑल हैव अ नाइस टाइम पूरी रात अच्छा समय बिताओ मिसेस पियर्सन एग्जिट लैब लैब की तरफ से एग्जिट करते हैं द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज और पूरा का पूरा परिवार उसकी माता के चारों तरफ आकर बैठता है द कर्टेन फॉल्स और पर्दा गिरता है कटा ये आपका जो लेसन था फिफ्थ फोर्थ पार्ट इट हैज बीन कंप्लीटेड सो प्लीज डोंट टेक केयर अबाउट दिस थिंग कि सर पसीनों पसीनों में है बेटा क्या करें फैन बंद करना पड़ता है गर्मी है और इसे थोड़ा सा आप मेरे पर टुकपीटी कीजिए मेरी थोड़ी सी मेहनत को देखिए आप और भी ज़्यादा अच्छा करें तो ये लेसन पूरा होता है नेक्स्ट टाइम आपको इसका वर्क जो है भेजा जाएगा थैंक यू।